तो अगर आपको टाटा का सॉफ्टवेयर, गरुड़ा, वी कनेक्टर, सेमटेक या कोई भी गाड़ी का आपको सॉफ्टवेयर या स्कैनर आपको चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दिलाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद अगर आपको बैक सपोर्ट भी चाहिए तो फुल बैक सपोर्ट मिलेगा 24 आवर्स। और आपको अगर टाटा मोटर का ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। ये दोस्तों टाटा एस गोल्ड का पिस्टन है, और एस गोल्ड इन में कोई भी गाड़ी का आप पिस्टन जो होता है, पिस्टन आपने देखा होगा दोस्तों, पिस्टन का काम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा पिस्टन का काम क्या होता है। पिस्टन में जो रिंग लगा होता है, रिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, पिस्टन में 3 रिंग लगा होता है। और ये रिंग का काम क्या होता है, कभी कभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो आती है वो किस वजह से आती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्रेसर वीक होने का क्या कारण है, आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। और अगर आप कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, अगर वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है तो भी आपको इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एएस ऑटोमोबाइल अमित उपाध्याय। दोस्तों जो पिस्टन का रिंग लगा होता है, पिस्टन तीन रिंग लगा होता है, देख रहे हैं आप, ये 1 2 3, ये कोई रिंग अगर कट जाता है तो कंप्रेसर वीक का कोड आता है, सॉरी कोड नहीं आएगा दोस्तों, गाड़ी चालू नहीं होगी, कंप्रेसर वीक का प्रॉब्लम आएगा और गाड़ी चालू नहीं होगी। इस तरीके से आप अगर बोल सकते स्टार्टिंग प्रॉब्लम, कंप्रेसर वीक जो होता है, कंप्रेसर नहीं बना पाता अच्छे से, कंप्रेसर वीक होता है, वो पिस्टन का जो रिंग होता है वो कट जाने की वजह से प्रॉब्लम होती है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन का रिंग कट जाने की वजह से कंप्रेसर वीक का कारण आता है। और मैं बात करूँ दोस्तों पिस्टन का काम क्या होता है, पिस्टन को ये जो डीजल होता है, डीजल को इतना ज़्यादा कंप्रेस करता है, जो जो पिस्टन पे डीजल का छिड़काव होता है वो इतना तेज़ ऊपर की तरफ दबाव करता है कि जिसके वजह से ऑयल गर्म हो जाता है। और जो गाड़ियों में हीटर प्लग लगा हो, जैसे कि मैं छोटी गाड़ियों की बात करूँ, छोटी गाड़ी में हीटर प्लग लगे होते, हीटर प्लग तो में से आग निकलता है, फिर ये पेट्रोल को में फायर होता है, इस तरीके से आग लगता है और गाड़ी हमारी चालू हो जाती है। इंजन चालू होने का कुछ इस तरीके का प्रोसेस है। जी हाँ दोस्तों, कि पिस्टन काम को ऑयल को प्रेस करना है, और क्रेन शाफ्ट में लगा होता है, क्रेन शाफ्ट घूमता है पिस्टन के सारे, समझ रहे ना, पिस्टन के दबाव कारण चिंगारी पैदा करता है, समझ रहे, इस तरीके से ये गाड़ी को चालू करता है। और जो कंप्रेसर वीक का कारण आपने जान लिया कि अगर ओरिंग कटा रहेगा, पिस्टन का रिंग कटा रहेगा तो कंप्रेसर वीक का कारण होगा और गाड़ी चालू नहीं होगी। इस तरीके से अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो कंप्रेसर वीक का क्या कारण है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि कंप्रेसर वीक रहेगा तो पिस्टन का ओरिंग कटा रहेगा या पिस्टन का रिंग कटा रहेगा तो ही कंप्रेसर वीक का कारण रहेगा और गाड़ी चालू नहीं होगी। इस तरीके से आप बता सकते हैं, जो कि इस तरीके से आप बताएं सामने वाले को ऊपर अधिक प्रभाव पड़ेगा और जानेगा कि ये टैलेंटेड आदमी है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब दोस्तों पिस्टन का काम मैंने बता दिया, पिस्टन रिंग आप जानते होंगे, ऑयल रिंग, कंप्रेसर रिंग, इस तरीके से दो बोलते हैं। ऊपर का जो दो होता है, दो रिंग, ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों जो रिंग है वो कंप्रेसर रिंग है, और जो नीचे वाला रिंग है वो ऑयल रिंग है, समझ रहे हैं ना। ऑयल रिंग लगा होता है कि जैसे ऑयल ऊपर ना जाने दें, कभी कभी क्या होता है जब गाड़ी हमारी वाइट स्मोक देने लगती है, या फिर हाँ वाइट स्मोक देती है, जो पिस्टन पे ऑयल चला जाता है, इसके वजह से गाड़ी धुआं अधिक देने लगती है, समझ रहे हैं, तो पिस्टन पे ऑयल जाने की वजह से, क्योंकि जहाँ पे डीजल जलना चाहिए वहाँ पे ऑयल जलने लगता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि पिस्टन के ऊपर ऑयल आ जाने से गाड़ी धुआं देने लगती है। आशा करते दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपको ट्रेनिंग चाहिए टाटा मोटर का, या फिर कोई भी गाड़ी का PDF चाहिए या मैनुअल डायग्राम चाहिए, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं अमित उपाध्याय, आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल YouTube चैनल।